आज नाजा आर्किटेक्ट्स और नाजा ट्रेडर्स की ऑफिस की इफ्तिताह हुई है। मैं अपनी जानिब से आसिम साहब को, जो नाजा ट्रेडर्स और नाजा आर्किटेक्ट्स के ओनर हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो स्पेशली ट्रेडिंग के अंदर जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, स्टील के डोर्स का जो है एक्सक्लूसिव गुलबर्गा में पहली बार उन्होंने लॉन्च किया है, गुलबर्गा के आवाम इस डोर्स के जो है इस्तेमाल करेगी। और वो खुद एक आर्किटेक्ट हैं और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग और जो है लेआउट्स का जो है अप्रूवल्स भी का काम भी जो है वो लोग ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुलबर्गा के आवाम को आसिम साहब के इस ऑफिस से, उनकी इस काविशों से फ़ायदा हो, और अल्लाह से दुआ वो है कि अल्लाह सुब्हान व तआला उनके कैरियर को जो है ऊंचाई तक, बुलंदी तक पहुँचाए। At this moment, I just want to tell ma'am that I'll remember all his teaching, whatever he has taught me during my college days, and I'll try to implement all those teaching elements, methodology, ideas in my architectural design in future, inshallah. अब जैसे कि आपने आज अपने construction office का opening किया है, तो आप गुलबर्गा की public से क्या कहना चाहते हैं? मैं गुलबर्गा की पब्लिक से ख़ास तौर पे ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसा मैम बताएं, बायलॉज बेसिकली फॉर पब्लिक है, और जितना हम बायलॉज के हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन करेंगे उतना हमारे लिए सहूलत होते जाएंगे। अब जैसा वायलेशंस करते जाएंगे, नो डाउट इकोनॉमिकली आप कुछ कवर कर सकेंगे अमाउंट, बट जो सहूलतें हम डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं वो नहीं मिलते जाते अपने। जैसे गुलबर्गा में तो कई कंस्ट्रक्शन ऑफिस है ऑलरेडी, हाँ, आप क्या नया चीज़ लाना चाहेंगे? जो मैं गुलबर्गा में ख़ासतौर पर नई चीज़ ये लाना चाहूँगा कि जैसा अपनी सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक टर्म यूज़ होता है कि लोकल मटेरियल्स का यूज़ करना, लोकल मटेरियल यूज़ करने से अपने जो कॉस्टिंग रैंडमली बढ़ते जाती उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो लोकल मटेरियल मिलने से पहले तो यहाँ की इकनॉमी जनरेट होते रहती है, यहाँ के लोकल लेबर्स को काम मिलना चालू होता, तो इट विल लिंक वन अनदर। तो वो हिसाब से अपना इंशाल्लाह प्रैक्टिसिंग रहेगा। और नाजा ट्रेडर्स भी है जिसमें हम यूनिक सिक्योर स्टील डोर्स लाए हुए हैं, जो कि गुलबर्गा में कोई नहीं लाया है, और जिसकी लॉकिंग सिस्टम सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी है, और कंपेयर टू सागवान हम कॉम्पिटिटिव प्राइस में दे सकते हैं उसके लिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिम अली है और अपने ऑफिस नाजा आर्किटेक्ट्स बाखर्स फंक्शन हॉल के करीब में है, बाखर्स चौक के पास। आसिम इष्ट ಹೇಳದನ್ನ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಾ, ಅದಲ್ಲದೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಳೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗ ನವಡೇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬೋಲ್ಕರ್ ಆಗ, ಸೊ ಯೂಸ್ ದಾಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೀನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೈಲಾಸ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್, ಸೊ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ದ ಬೈಲಾಸ್, ಸೊ ನಾಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬೈಲಾಸ್. ಬೈಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋದು? ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ? ನೀವುಗಳು ಮುಂಚೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಲಕ್.